कोरोना महामारी ने अपना रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिससे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और उससे बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लगवाने के सरकार लगातार लोगों से आह्वान कर रही है। लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर भी लोगों में भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों की कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद मौत के मामले भी सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली से सामने आया है, जहां 40 दिन के अंदर एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों समेत एक महिला की मौत हो चुकी है और परिजनों ने वैक्सीन लगने के बाद मौत का आरोप लगाया है। दरअसल रायबरेली जिले के महाराजगंज तहसील के महाराजगंज कस्बे में बीते 40 दिनों में एक एक कर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत से पूरे कस्बे में मातम का माहौल है और लोगों के मन में डर भी व्याप्त है। 3 सगे भाई राम जी मिश्रा, श्याम जी मिश्र, कृष्ण जी मिश्र समेत महिला रामश्री मिश्र की 40 दिनों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद सबको बुखार और खांसी सर्दी हुई। एक एक कर 40 दिनों में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार में 4-4 अर्थियां उठने से पूरे कस्बे में मातम का माहौल है। आइए आपको सुनवाते हैं मृतक परिजनों की जुबानी। भैया क्या नाम है आपका? रोहित कुमार मिश्रा। क्या हुआ आपके परिवार के साथ? हमारे परिवार के साथ बुखार आया और मम्मी और पापा खत्म हो गए। उसके बाद 1.5 महीने बाद दादाजी अच्छे खासे थे, वो चल फिर रहे थे, सब कुछ थे, वो मोहन लाल गंज गए घर देखने और वहाँ अचानक उनके एक्सपायर हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद चाचा जी थे कृष्ण जी मिश्रा, इनको फलेरिया अटैक किया और बुखार आए, ये भी खत्म हो गए। लगभग कितने दिनों में मौतें हुई हैं आप तक? ये 2 महीने के अंदर हुई। 2 महीने के अंदर। तो कहाँ रहता है आपका परिवार? बड़े पापा रहते हैं वार्ड नंबर 9 में, हम लोग रहते हैं वार्ड नंबर 7। अच्छा, तो क्या उसके बाद कोई टीम वीम आई थी कि नहीं? बुखार नहीं, कोई टीम नहीं। कोई टीम नहीं आई? आपके घर भी नहीं टीम आई कोई? अच्छा, तो क्या नाम था इन लोगों का जो एक्सपायर हुए हैं? बड़े पापा का राम जी मिश्रा था। कितनी उम्र थी? 70 साल बाद कर जी। उसके बाद मेरे पापा की उम्र थी, श्याम जी मिश्रा जी, 66 साल, मेरी मम्मी की 60 साल की थी और छोटे वाले चाचा 60 साल। अच्छा, तो कोई अभी टीम नहीं आई है? कोई टीम।